कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों और राजस्व के अनुविभागवार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण इस हफ्ते अभियान स्वरूप में करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निराकरण में संतुष्टिपूर्ण निराकरण का प्रतिशत बढ़ाएं और कोई भी सीएम हेल्पलाइन की नोट अटेंड शिकायत अगले स्तर पर नहीं पहुंचनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा है कि अगले स्तर पर नोट अटेंड शिकायत के पहुंचने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध 250 रुपए प्रति शिकायत का जुर्माना लगेगा। समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने समसामयिक विषयों, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों, उत्तरा में दर्ज टीएल प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की सर्वाधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन की एसडीओ वार समीक्षा करते हुए कहा, इस सप्ताह सभी एसडीएम, तहसीलदार सीएम हेल्पलाइन के राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण करें। वहीं कलेक्टर ने डीएमएफ मद के कार्यों की विभाग वार समीक्षा की और निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि डीएमएफ मद से स्वीकृत लगभग पूर्ण हो चुके कार्यों में गति लाकर इन्हें पूर्णता प्रदान करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर परीक्षित राव ने बताया कि जिला खनिज मद से 97,67,00,000 रुपए लागत के कुल 956 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अब तक 555 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इन पूर्ण कार्यों के लिए अब तक 65,45,00,000 रुपए का भुगतान निर्माण एजेंसियों को किया गया है।